आजाद ये शब्द आते ही अपनी मूंछों को ताव देता वह नौजवान आंखों के सामने आ जाता है, जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण उत्सर्ग कर दिए, जो अपनी लड़ाई के आखिर तक आजाद ही रहा। दुनिया में जिस सरकार का सूर्य अस्त नहीं होता था, वह शक्तिशाली सरकार भी उसे कभी बेड़ियों में जकड़ ही नहीं पाई। चंद्रशेखर हमेशा आजाद ही रहे, अपनी आखिरी सांस तक। आइए दोस्तों, आज हम अपने चैनल दीपावली में भारत के सपूत चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानते हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शुरुआती जीवन और निशानेबाजी का शौक। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनके सम्मान में अब इस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उनाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी को अकाल के कारण अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाभरा का रुख करना पड़ा। ये भील जनजाति बहुल इलाका है और इसी वजह से बालक चंद्रशेखर को भील बालकों के साथ धनु विद्या और निशानेबाजी करने का खूब मौका मिला और निशानेबाजी उनका शौक बन गया। बालक चंद्रशेखर बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। पढ़ाई से ज्यादा उनका मन खेल गतिविधियों में लगता था। इसके बाद वह घटना घटी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बालक चंद्रशेखर को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। मेरा नाम आजाद है। वैसे तो पंडित चंद्रशेखर तिवारी को उनके दोस्त पंडित जी बलराज और क्विक सिल्वर जैसे कई उपनामों से बुलाते थे, लेकिन आजाद उपनाम सबसे खास था और चंद्रशेखर को पसंद भी था। उन्होंने अपने नाम के साथ तिवारी की जगह आजाद लिखना पसंद किया। चंद्रशेखर को जाति बंधन भी स्वीकार नहीं था। आजाद उपनाम कैसे पड़ा, इस संबंध में भी एक रोचक उपकथा विख्यात है। हालांकि इस कथा का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया है, लेकिन ये शुरुआती दौर से ही उनके बारे में सुनी सुनाई जाती रही है। हुआ यूं कि 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और बालक चंद्रशेखर एक धरने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। पारसी मैजिस्ट्रेट मिस्टर खरे घाट अपनी खटोर सजाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कड़क कर चंद्रशेखर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर ने संयत भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद है। मैजिस्ट्रेट ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? आजाद का जवाब फिर लाजवाब था। उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। एक बालक के उत्तरों से चकित मैजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल किया, तुम्हारी माता का क्या नाम है? आजाद का जवाब था, भारत मेरी माँ है और जेल खाना मेरा घर है। बस फिर क्या था, उस गुस्साए मैजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 15 बेंत लगाने की सजा सुना दी। बालक चंद्रशेखर को 15 बेंत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। हर बेंत के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए, जो वह जेलर के मुंह पर फेंक आए। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें आजाद बुलाना शुरू कर दिया। क्रांति का शुरुआत। जलियांवाला बाग कांड के दौरान चंद्रशेखर को समझ में आया कि आजादी बात से नहीं, बंदूक से मिलेगी। हालांकि उन दिनों महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन अपने चरम पर था और पूरे देश में उन्हें भारी समर्थन मिल रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने भी महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और सजा पाई, लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस लिया गया तो आजाद का कांग्रेस
से मोह भंग हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने बनारस का रुख किया। बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। बनारस से वह देश के महान क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए। इन नेताओं से वह इतने प्रभावित हुए कि वह क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। दल ने पूरे देश को अपने उद्देश्यों को परिचित करवाने के लिए अपना मशहूर पैम्फलेट द रेवोल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे अफरों में दर्ज है। काकुरी कांड। काकुरी कांड और कमांडर इन चीफ। काकुरी कांड से कौन नहीं परिचित है, जिसमें देश के महान क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लिहाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दल के 10 सदस्यों ने इस लूट को अंजाम तक पहुंचाया और अंग्रेजों के खजाने को लूटकर उनके सामने चुनौती पेश की। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। दल बिखर गया। आजाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। कई प्रयासों के बावजूद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने में असफल रही थी। इसके बाद छुपाते छुपाते आजाद दिल्ली पहुंचे, जहां के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आजाद के अलावा महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए। तय किया गया कि एक नए नाम से नया दल का गठन किया जाए और क्रांतिकारी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। नए दल को नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आजाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया। संगठन का प्रेरक वाक्य बनाया गया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बम। दल ने सक्रिय होते ही कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि अंग्रेज सरकार एक बार फिर उनके पीछे पड़ गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या का निश्चय किया और चंद्रशेखर आजाद ने उनका साथ दिया। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया और आजाद ने फिर उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और दल एक बार फिर बिखर गया। आजाद ने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। एल्फ्रेड पार्क और आजाद के योद्धा। अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और आजाद इस कोशिश में थे कि उनकी सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदला जा सके। ऐसे ही एक प्रयास के लिए वह इलाहाबाद पहुंचे। इसकी भनक पुलिस को लग गई और जिस अल्फ्रेड पार्क में वो थे उसे हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन आजाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ही ठीक समझा। उनका अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों को ये चीज मालूम चली तो वो सारे लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसा लगा जैसे गंगा जी संगम छोड़कर इलाहाबाद की सड़कों पर उतर आई हूँ। लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहाँ इस महान क्रांति ने अंतिम सांस ली थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अपने हीरो को किस तरह अंतिम विदाई दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।